हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रचना रसोई रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चौलाई भाजी और चना दाल की सब्जी। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर रेडी होती है। तो यहाँ पर हमने चौलाई भाजी ले लिया है। ये 250 ग्राम चौलाई भाजी था, इसको हमने अच्छे से धोकर सुखाकर बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पर एक प्याज ले लिया है बारीक कटा हुआ, और ये अदरक लहसुन हरी मिर्च कूट कर ले लिया है। अदरक लहसुन, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे लाल मिर्च है, सूखी लाल मिर्च है ये, और एक कप चना दाल है। चना दाल को हमने रात भर भिगो दिया था, आप 2-3 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, ये अच्छा फूल गया है। तो चलिए भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया है। पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। मैं यहाँ सरसों तेल ले रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल। तो तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा के बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च। अगर मिर्च कम पसंद करते हैं तो ना डालें। इसके बाद हम प्याज डाल देंगे, और प्याज को थोड़ा सा हम भून लेंगे। इसके बाद हम अदरक लहसुन मिर्च डालेंगे। तो प्याज को हमने थोड़ा सा पका लिया है, अब इसमें हम अदरक लहसुन और मिर्च डाल देते हैं, और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इससे भाजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम डालेंगे ये चना दाल जो हमने भिगा कर रख दिया था। तो भाजी को पकने में टाइम नहीं लगता, लेकिन चना दाल को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चना दाल पहले हम डाल देते हैं, और इसको 3-4 मिनट तक हम पका लेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे कुछ मसाले। तो 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। बस भाजी में ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, कम मसालों में ही भाजी बनती है। अब इसको हम ढक देंगे और 3-4 मिनट तक हम पका देंगे। तो चना दाल यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पक गया है, आप देख सकते हैं कि कलछी से कटने लगा है। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक, उसके बाद हम भाजी डालेंगे। ये भाजी भी डाल देते हैं। तो भाजी इसमें जाते ही एकदम थोड़ा सा हो जाती है, गल जाती है। गैस की फ्लेम को कुछ तेज कर देंगे और भाजी को हम मिला लेंगे चना दाल में। तो भाजी में हम पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि भाजी हमारी पानी छोड़ेगी। तो इसको अभी हम ढक देंगे, और ढक कर 5-6 मिनट तक हम पका लेंगे, और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। ढक देते हैं और पका लेते हैं। गैस की फ्लेम यहाँ मीडियम रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये चौलाई भाजी और चने दाल की सब्जी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं एकदम ड्राई भी हो गया है। तो आप भी अपने घर में ये चौलाई भाजी और चने दाल की सब्जी बनाइए, खाइए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। इस सब्जी को आप रोटी, पराठे, दाल, राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर रेडी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।